अलैकुम, आपका कर शुक्रिया कि आप आज मेरे मेरे बुलाने पे यहाँ पे आए। तो लास्ट टाइम जो मेरा वेबिनार था उसका टॉपिक था आर्ट ऑफ फ्रीलांसिंग ऑन अपवर्क। इस दफा मैंने सोचा कि किसी एक्सपर्टीज पे बात करते हैं। जो मेरी कोर एक्सपर्टी है वो पेड एडवर्टाइजिंग है। तो क्योंकि ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है तो मैंने सोचा कि इस पे एक सीरीज ऑफ वेबिनार्स कर लेते हैं, और इसमें काफ़ी सारे टॉपिक होंगे। एडवर्ड्स जो इसका मेजर पार्ट होगा वो एडवर्ड्स होगा। एडवर्ड्स जो है वो गूगल का एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले जो आज वाला हमारा टॉपिक होगा वो एडवर्ड फंडामेंटल होगा। इसके बाद एडवर्ड्स एडवांस सर्च, उसके बाद एडवांस्ड डिस्प्ले, उसके बाद एडवर्ड्स मोबाइल, एडवर्ड्स शॉपिंग, एडवर्ड्स वीडियो, बिंग एड्स, फेसबुक एड्स और राउ जेमिनी। इस पे सब पे ही हमें शायद एक एक वेबिनार करना पड़े, लेकिन एडवर्ड सर्च वाले पे शायद हमें दो वेबिनार भी करने पड़े क्योंकि वो काफ़ी लेंथी टॉपिक है। तो एडवर्ड फंडामेंटल आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें थ्योरी है मोस्टली, और असल में गूगल एडवर्ड्स ने अपनी पर्सनल ट्रेनिंग दी, उनकी नेट पे अवेलेबल है। उन्होंने इस तरह से डिवाइड किया है कि वो पहले फंडामेंटल्स, फिर सर्च, डिस्प्ले, मोबाइल, शॉपिंग, डिफरेंट उनके ट्रेनिंग के पार्ट्स हैं। तो एडवर्ड्स पार्टनर बनने के लिए आपको फंडामेंटल और इसके अलावा कोई एक सर्च, डिस्प्ले, मोबाइल, शॉपिंग, वीडियो में से कोई एक पास करना पड़ता है, मिनिमम 80% मार्क्स के साथ। और इसके अलावा आपको $10,000 विद इन लास्ट 3 मंथ्स आपको एडवर्ड स्पेंड के मैनेज करने पड़ते हैं, चाहे अपने करें, क्लाइंट्स के करें, लेकिन वो $10,000 मिनिमम 3 मंथ्स में होने चाहिए। ये मेरे सर्टिफिकेशन हैं जो कि सिर्फ गूगल एडवर्ड से रिलेटेड हैं। इसमें देख सकते हैं कि आप, मैं पार्टनर हूँ, मेरे पास फंडामेंटल यहाँ पे शो नहीं होता, पर वो एक बेसिक है, वो पास करना ही पड़ता है। इसमें मेरे पास एडवर्ड सर्च भी है, मोबाइल भी है, वीडियो भी है, शॉपिंग भी है, डिस्प्ले भी है और गूगल एनालिटिक्स भी है। वो डिफरेंट है बट वो यहीं पे शो होता है। आप इसे काफ़ी सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं जिन्होंने मेरा पहले वाला वेबिनार अटेंड किया था, उसमें मैंने आपको अपना तारुफ करवाया था। लेकिन अगर कुछ कोई नहीं भी जानता तो आज मैं आपको अपना तारुफ सिर्फ पेड एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड करवाऊंगा। मैं फ्रीलांसिंग 2007 से कर रहा हूँ। मैं 2012 से गूगल पार्टनर हूँ और मैंने आज तक और अभी स्टिल सैकड़ों के हिसाब से कैंपेन्स बिल्ट और मैनेज किए हैं। और क्लाइंट्स के लिए मैंने मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है बजट उनका जो स्पेंड था वो मैनेज किया। मैं एज ए पार्टनर जो है वो गूगल मीना में रजिस्टर्ड हूँ। ये मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन है। जो पाकिस्तान में होते हैं वो गूगल सिंगापुर के साथ होते हैं। तो वहाँ पे मैं कॉन्टिन्यूस 3 क्वार्टर्स तक टॉप परफॉर्मर रहा हूँ पूरे रीजन में। ये दैट वाज ईयर 2014। मैंने आज तक यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, कनाडा और थाईलैंड के क्लाइंट्स के साथ काम किया है। इसके अलावा मैं एज एन एम्प्लॉय यूएस की एडवर्टाइजिंग फर्म है, वहाँ पे ऐसे में फुल टाइम एम्प्लॉय भी काम करता हूँ। मैं प्रोडक्ट्स भी एडवर्टाइज करता हूँ और सर्विसेज भी एडवर्टाइज करता हूँ। मैंने बहुत सारी निचेस पे काम किया है जिसमें प्लम्बर से लेके स्पास, जिम्स, डॉक्टर, डेंटिस्ट, टेक्नीशियंस, हैंडीमैन, ये सब हैं। और मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी प्रमोट किए हैं जिसमें सॉफ्टवेयर भी हैं, हार्डवेयर भी हैं, फूड सप्लीमेंट्स भी हैं और भी बहुत सारे हैं। अब मैं आपको कुछ गूगल एडवर्ड्स की स्टैट्स बताता हूँ कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस पे कितना ज़्यादा स्कोप है। कि दुनिया में जितना भी एडवर्ड स्पेंड होता है उसका 30% जो है वो गूगल एडवर्ड्स पे होता है। और 2015 में इनके जो नंबर थे वो 51.81 बिलियन डॉलर थे। इस प्लेटफॉर्म पे तकरीबन 4 मिलियन एडवर्टाइजर हैं। और ये वाली चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गूगल का जितना भी रेवेन्यू बैठा होता है
हर साल उसमें 97% जो होता है वो एडवर्ड्स के थ्रू होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एडवर्ड्स इज मेजर नहीं बल्कि कह सकते हैं कि बेसिक सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर गूगल। और ट्रैफिक, सेल्फ ट्रैफिक का जो शेयर है वो यूएस में एडवर्ड्स के पास 81.42% है। आप में से किसी का माइक ऑन है काइंडली इसको बंद कर लें। तो अब हम गूगल एडवर्ड फंडामेंटल्स की तरफ आते हैं। इसमें हम तीन चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। एक तो इंट्रोडक्शन टू एडवर्ड्स होगा, इसमें आपको बताएंगे कि इसमें फंक्शंस क्या क्या हैं, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं और फीचर्स इसके क्या क्या हैं। दूसरा जो चैप्टर होगा वो कैंपेन मैनेजमेंट, कैंपेन बिल्ड कैसे की जाती है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है। और जो तीसरा चैप्टर होगा वो सक्सेस मेजरमेंट और कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन का होगा। तो हम इंट्रोडक्शन टू एडवर्ड से शुरू करते हैं। इसके अंदर जो टॉपिक्स होंगे वो हमारे के ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और एडवर्ड्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एक ये टॉपिक होगा। दूसरा ये कि गूगल एडवर्टाइजिंग के नेटवर्क कौन कौन से हैं। तीसरा होगा कि वेयर योर एड कैन अपियर। चौथा जो होगा क्वालिटी ऑफ योर एड। और पांचवा जो होगा कि व्हाट यू हैव टू पे एक्चुअली। तो बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ये है कि गूगल ने इसकी बहुत प्यारी एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि एडवर्ड्स अलाउ यू टू मेक द मोस्ट ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बाय शोइंग योर एड टू द राइट पीपल इन द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। कि सही लोगों को सही जगह पे सही वक्त में आपके ऐड दिखाए जाएंगे। एडवर्ड्स जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करता है, लेकिन उसमें जो खास खास है वो ये है कि आप अपने ऐड को टारगेट कर सकते हैं, कीवर्ड्स के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। लाइक जो कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं आप वही टारगेट करें तो उसी के अगेंस्ट आपके ऐड शो नजर आएंगे। ऐड लोकेशन, आप किस लोकेशन पे, ऐड लोकेशन मतलब कि अगर आप सर्च इंजन रिजल्ट पे जिस पे देखते हैं कि टॉप पे ऐड आ रहे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर बॉटम पे आ रहे होते हैं, तो आप किस लोकेशन पे अपने ऐड को दिखाना चाहते हैं वो मैनेज कर सकते हैं आप। और डेमोग्राफिक्स में उसकी एज के वो कितनी एज की रेंज में है, मतलब टीन में है, एडल्ट में है, बड़ा है, मतलब कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं बच्चों के लिए होते हैं, कुछ बड़ों के लिए होते हैं, कुछ बुजुर्गों के लिए होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वो भी इसमें टारगेट कर सकते हैं। लोकेशन, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, वो यूएस में है, यूके में है, यूएस में इवन किसी काउंटी में, स्टेट में है, स्टेट में किसी सिटी में है, सिटी में और भी किसी डीप जिप में है, किसी भी जगह पे, मतलब बहुत यूएस में इवन बहुत नैरो भी जा सकते हैं। और जो लोकल बिजनेसेस होते हैं उनके लिए काफी फीचर बेनिफिट है, बेनिफिशियल है कि वो अपनी टारगेट ऑडियंस को इसके थ्रू काफी ज्यादा डेप्थ में भी टारगेट कर सकते हैं। लैंग्वेज, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी लैंग्वेज बोलती है, डेज, आप सपोज आप वीकेंड पे ऐड अपने नहीं दिखाना चाहते बाकी डेज पे दिखाना चाहते हैं, आप वो भी इस पे मैनेज कर सकते हैं। टाइम, सपोज आप ब्रेक कर रहे हैं बीच में, जो आप स्टार्ट ही जो है वो 9 AM से करते हैं और 6 PM पे ऑफ कर देते हैं, तो आप उसी में बीच में दिखाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी, डिस्प्ले नेटवर्क, यानी कि आप अक्सर आप चाहते हैं कि सेम ऐड एक शख्स को 3 दफा से ज्यादा शो ना हो। आप देखते हैं कि बार बार आपके सामने एक ही ऐड आ रहा है, अगर आप कोई साइट ओपन करते हैं एडसेंस वाली साइट, तो वो भी आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं कि इससे ज्यादा किसी भी यूजर को नहीं दिखाया जाएगा। डिवाइसेस, मोबाइल पे दिखाना है, टैबलेट्स पे दिखाना है, कंप्यूटर पे दिखाना है, वो भी मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने क्लिक के अगेंस्ट पे करना है, आपने 1000 इंप्रेशंस के अगेंस्ट पे करना है। काइंडली आप में से किसी का माइक ओपन है वो क्लोज कर ले, मुझे नहीं पता कि हिप चैट पे कैसे माइक ऑफ करना है आप लोगों का, तो वो मैं देखा। तो कॉस्ट आप कैसे मैनेज करेंगे कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं, काइंडली माइक बंद कर दें, शोर आ रहा है काफी। आपने क्लिक के अगेंस्ट पे करना है, आपने 1000 इंप्रेशन के अगेंस्ट पे करना है, या आपने किसी एक्विजिशन के अगेंस्ट, किसी कन्वर्सेशन के अगेंस्ट पे करना है, तो
वो भी आपके इसके अंदर ऑप्शन मौजूद होते हैं, आप वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सक्सेस को मेजर कर सकते हैं। इसमें कन्वर्जन ट्रैकिंग होती है, आपको आप देख सकते हैं कि कितने क्लिक आ रही हैं, कितने गोल अचीव हो रहे हैं, और आपके लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, आपकी जो स्पेंड है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, ये चीजें भी आप मेजर कर सकते हैं। आप अपनी कैंपेन को मैनेज कर सकते हैं, एक ऑफलाइन मैनेज कर सकते हैं, एक और एडवर्ड्स एडिटर होता है, उसमें आप अपनी कैंपेन डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं फिर। दो मीटिंग पे मैं दोबारा, मेरा ऑडियो कनेक्शन आ गया और अभी एप चैट पे आ रहा है, तो जैसे ही वो आता है मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। काइंडली अपने माइक बंद कर दें प्लीज। आपको अभी कोई इशू होता है तो काइंडली मुझे चैट में लिखते हैं, आवाज़ से रिलेटेड। आई बिलीव कि अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। हाँ, हम नेटवर्क की बात कर रहे थे, तो इसमें सर्च नेटवर्क होता है। सर्च नेटवर्क क्या होता है कि गूगल की अपना गूगल का पेज और गूगल के अपने दूसरी साइट्स जैसे मैप्स और शॉपिंग और बाकी गूगल पार्टनर साइट्स जैसे AOL, जहाँ पे कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपके ऐड जो होते हैं वो शो होते हैं। तो थैंक यू यार, आवाज़ आना शुरू हो गया है। तो और डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है कि दूसरी गूगल की साइट जैसे गूगल फाइनेंस, जीमेल, ब्लॉगर, यूट्यूब, पार्टनर साइट्स जो आपकी एडसेंस की साइट्स होती हैं, इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशंस, इन पे आपके एड शो होते हैं अगेंस्ट कंटेंट मैचिंग, प्लेसमेंट्स और वो बाकी जिन चीज़ों के थ्रू वो मैच होके शो होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये दो नेटवर्क होते हैं, सर्च नेटवर्क जिसपे ऐड शो होते हैं और डिस्प्ले नेटवर्क जिसमें इवन मोबाइल एप्स और यूट्यूब इसी में इंक्लूडेड है।
ये है कि वेर यू राइट कैन अपियर, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे आप देखते हैं टेक्स्ट ऐड सिर्फ अपियर होते हैं, उसके नीचे ऐड एक्सटेंशन भी होती है, कुछ का लोकेशन मैप आ रहा होता है, कुछ का फोन नंबर आ रहा होता है, कुछ के साइट लिंक्स आ रहे होते हैं, कुछ के कॉल आउट एक्सटेंशन होती है, कुछ वो आ रही होती हैं। और डिस्प्ले नेटवर्क पे जैसे आपके एडसेंस की साइट्स पे एड्स चल रहे होते हैं, वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, टेक्स्ट ऐड हो सकते हैं, इमेज ऐड हो सकते हैं, रिच मीडिया एड्स होते हैं, यूट्यूब पे जो होता है वो वीडियो एड्स आ रहे होते हैं। तो क्वालिटी ऑफ योर एड्स जो होता है, ये एक फीचर होता है, इसको क्वालिटीज को कहते हैं। एडवर्ड जो होता है वो हर कीवर्ड के अगेंस्ट एक 0 to 10, 1 to 10 बेसिकली एक नंबर असाइन करता है बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ दैट कीवर्ड। और अगर वो नंबर अच्छा होगा तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपका ऐड जो है वो एक बेटर पोजीशन पे शो होगा सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे। सपोज दो, एक आप हैं कि आपका कंपेटिटर है और दोनों की जो बिड है वो सेम है, लेकिन काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें, दोनों की बिड सेम है तो उसका, अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो उसका आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपका कीवर्ड जो है, आपका जो एड है वो उससे ऊपर शो हो रहा होगा। तो बेटर क्यूएस मींस आपको लेस कॉस्ट पर क्लिक होगा और आपका एड रैंक जो होगा वो बेटर होगा। तो इसमें चीजें मैटर करती हैं, लाइक आपकी यार काइंडली माइक ऑफ कर दें, शादेब यार माइक ऑफ करेंगे वरना मेरे से नहीं हो रहा है। मैं करता हूँ। तो अब इसमें आपको क्या पे करना पड़ेगा, इसमें तीन डिफरेंट मॉडल्स हैं कि सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, आपको हर क्लिक के अगेंस्ट पे करना पड़ेगा। सीपीएम मॉडल होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, इसमें आपको एवरी 1000 इंप्रेशन के अगेंस्ट पे करना पड़ेगा। या सीपीए होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन, इसमें आपको एवरी गोल या एवरी कन्वर्जन के अगेंस्ट पे करना पड़ेगा। डेली बजट जो होते हैं वो आप कैंपेन लेवल पे सेट करते हैं, और बिड्स जो होती हैं वो आप कीवर्ड या एड ग्रुप लेवल पे सेट कर रहे होते हो। और हमारा दूसरा जो चैप्टर है इस पे वो कैंपेन मैनेजमेंट का चैप्टर है। इसके जो टॉपिक्स होंगे वो चूजिंग अ कैंपेन टाइप होगा, स्ट्रक्चरिंग योर कैंपेन होगा, टारगेटिंग योर ऑडियंस होगा, सेटिंग बिड्स एंड बजट्स होगा, क्रिएटिंग एड ग्रुप्स होगा, टूल्स टू प्लान ए कैंपेन होगा। अब चूजिंग ए कैंपेन टाइप, अगर आपने सिर्फ सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे अपने एड शो करने हैं तो आप उसके लिए सर्च नेटवर्क शो करते हो, उसमें सब टाइप भी होती है कि आपने पार्टनर शो कर पार्टनर्स पे दिखाना है, जैसे OLP अपने एड दिखाने हैं या नहीं वो भी आप सिलेक्ट और अनसेलेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले नेटवर्क पे दिखाना है, लाइक एडसेंस वाली साइट्स पे या यूट्यूब पे या मोबाइल ऐप्स पे, तो उसके लिए आप डिस्प्ले करोगे। और सर्च नेटवर्क भी डिस्प्ले सेलेक्ट, मतलब आप अगर दोनों पे दिखाना चाह रहे हो सेम कैंपेन, दो ये प्रेफर नहीं करते हम, प्रेफर ये करते हैं कि हर सेपरेट कैंपेन बना लें बजाय इसके कि एक ही कैंपेन को दोनों नेटवर्क्स पे चला रहे हो। तो इसी तरह से कैंपेन सेप टाइप्स के अंदर हम रीमार्केटिंग, अगर रीमार्केटिंग होता है जो लोग आपके साइट को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं आप उनको दोबारा से अपने ऐड दिखाएं, मतलब कुछ ऑफर देके ताकि आप उनको अट्रैक्ट कर सकें कि वो आके एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करें या कन्वर्जन कंप्लीट करें। या सब टाइप्स के अंदर आप मोबाइल ऐप्स पे भी ऐड शो करने हो तो वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरिंग जो कैंपेन, इस पे क्या होता है कि सबसे टॉप लेवल के ऊपर अकाउंट होता है, ठीक है, उसके अंदर आप कैंपेन्स क्रिएट करते हो। कैंपेन्स जो होता है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स सर्विसेज
को रिप्रेजेंट करता है, वो एक मतलब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ लोग जो होते हैं वो इवन जो आपकी जियो लोकेशन होती है उस पे भी डिफरेंट कैंपेन आ रहे हैं। सपोज एक प्रोडक्ट को यूके में भी अगर एडवर्टाइज करना है और यूएस में भी एडवर्टाइज करना है तो दोनों के लिए डिफरेंट कैंपेन बनाएंगे। कुछ लोग इवन मैच टाइप पे ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके लिए भी डिफरेंट कैंपेन बना रहे होते हैं। और कैंपेन के अंदर एक या से ज्यादा एड ग्रुप्स हो सकते हैं। एड ग्रुप्स के अंदर क्या होता है कि एक या से ज्यादा कीवर्ड्स हो सकते हैं और एड ग्रुप्स के अगेंस्ट हम एड कॉपीज लगाते हैं वो एक या से ज्यादा हो सकती है। तो दिस इज हाउ वी स्ट्रक्चर द कैंपेन के टॉप लेवल पे कैंपेन्स होती हैं उसके अंदर एड ग्रुप्स होते हैं एक या एक से ज्यादा एड ग्रुप हो सकते हैं। एड ग्रुप्स के अंदर कीवर्ड्स होते हैं वो उनका हम स्ट्रक्चर कैसे करते हैं कि जो थीम जिन कीवर्ड्स की सेम हो या जो लुक लाइक सेम कीवर्ड्स हो उनको हम एक एक एड ग्रुप के अंदर रखते हैं। दो ये अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग जो होते हैं वो एक एड ग्रुप के अंदर एक ही कीवर्ड रखते हैं और अगेन एड ग्रुप्स के अगेंस्ट हम एड कॉपीज वो एड्स होते हैं जो शो हो रहे होते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे या डिस्प्ले नेटवर्क पे। और ऑडियंस टारगेट यह कि कीवर्ड्स टारगेटिंग एड ग्रुप के अंदर क्योंकि कीवर्ड होते हैं तो कीवर्ड की मैच टाइप आप में से काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगी लेकिन वो शायद ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट ही पता हो। मॉडिफाइड ब्रॉड भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। उसके लिए उसके साथ होता क्या है कि हम उसके अंदर अपने जो कीवर्ड के अंदर डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उनसे पहले प्लस का सिंबल ऐड कर लेते हैं। उससे होता है क्या कि वी मेक इट श्योर कि जब यूजर कोई क्वेरी टाइप कर रहे हैं तो जिन जिन वर्ड्स के अगेंस्ट जिन जिन वर्ड्स के साथ प्लस का साइन है वो वर्ड मस्ट उसकी क्यूरी का पार्ट होने चाहिए। मतलब उसके ये मैटर नहीं करता कि वो किस पोजीशन पे आए फर्स्ट में आए मिडिल में आए लास्ट पे आए लेकिन उसकी पोजीशन मैटर नहीं करती लेकिन वो वर्ड लास्ट में होने चाहिए। डिस्प्ले नेटवर्क पे कंटेक्सुअल टारगेटिंग होती है। कंटेक्सुअल टारगेटिंग क्या होती है कि कंटेंट जो है वो सेम कंटेक्स्ट के हों जो कीवर्ड है उससे मैच करते हों। इसके अलावा ऑडियंस में हम इसमें रीमार्केटिंग वाली ऑडियंस भी लगा सकते हैं। डेमोग्राफिक वाइज भी उसको कर सकते हैं कि उसकी एज क्या है सेक्स क्या है इन चीज़ों पे। इसके अलावा इन मार्केटिंग ऑडियंस एक होती है उससे भी हम उसमें ऑडियंस ऐड कर सकते हैं। एफिनिटी ऑडियंस होती है ये भी ऐड कर सकते हैं। ये क्या होती है ये हम जब डिस्प्ले नेटवर्क एडवांस वाले करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्लेसमेंट्स जो होती हैं मतलब डिफरेंट वेबसाइट जितनी भी आपकी एडसेंस वाली वेबसाइट्स हैं उसमें मैं चाहता हूँ कि इन स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे मेरा एड शो हो बाकी पे ना हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ कि स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे करूँ बाकी निकाल दूँ। लोकेशन एंड लैंग्वेज हम इसमें टारगेट कर सकते हैं दोनों डिस्प्ले के लिए भी कर सकते हैं और सर्च के लिए भी कर सकते हैं। डिवाइस टारगेटिंग कर सकते हैं ये भी डिस्प्ले के लिए भी कर सकते हैं और सर्च के लिए भी कर सकते हैं। जी किसी भाई को मेरी फिर वॉइस नहीं आ रही क्या बाकी सबके साथ भी यही इशू है? काइंडली मुझे कंफर्म कर दें आपको वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। थैंक यू भाई। आपको कलर स्कीम का इशू है फारुख भाई लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। मैं मिडल ऑफ द कैंपेन तो मैं अब आपको बाद में कुछ अगर डिफरेंट बना के भेज दूंगा कुछ ऐसे करना ठीक है। अच्छा सेटिंग बिड्स एंड बजट्स बजट्स मैंने आपको बताया था कि वो कैंपेन लेवल पे सिलेक्ट होते हैं आई मीन कैंपेन लेवल पे सेट होते हैं ठीक है। सीपीसी बिडिंग हम तब करते हैं कि जब हमने कस्टमर्स सिर्फ ड्राइव करने हो कोई स्पेसिफिक हमारा गोल ना हो सिर्फ हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आए। कॉस्ट पर इम्प्रेशंस के लिए भी हम ये करते हैं कि इफ यू वांट टू मेक श्योर कस्टमर सी योर मैसेज कि हम सपोज 1000 इम्प्रेशंस के अगेंस्ट
एक स्पेसिफिक कॉस्ट रख देते हैं कि हम इतनी अफोर्ड कर सकते हैं, और उसमें आप इट इज़ अप टू एडवर्ड्स के वो किस ड्यूरेशन में वो 1000 इंप्रेशन हमें डिलीवर करता है। और सीपीए हम तब करते हैं जब हमारे हमें स्पेसिफिक अमाउंट पता हो कि एक गोल के अगेंस्ट हम इतना ही स्पेसिफिक पे कर सकते हैं, ये हमारा यही बजट है, इससे ज़्यादा पे नहीं कर सकते। क्रिएटिंग एड ग्रुप, ईच एड ग्रुप कंटेन अ सेट ऑफ कीवर्ड्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एड्स, एड्स भी बताया था कि एड ग्रुप्स के अगेंस्ट एड कॉपीज होती हैं, एंड बेट दैट टू मैनेज। बेट हम कीवर्ड्स के अगेंस्ट भी मैनेज कर सकते हैं और एड ग्रुप के अगेंस्ट भी मैनेज करते हैं। फॉर डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन्स, के डिस्प्ले नेटवर्क में एड ग्रुप के अंदर दूसरे टारगेटिंग मेथड भी हो सकते हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक्स और रीमार्केटिंग लिस्ट। कीवर्ड्स, टिप्स फॉर क्रिएटिंग योर कीवर्ड्स लिस्ट, चूजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर कीवर्ड्स, थिंक लाइक ए कस्टमर। इसके लिए आप अक्सर लोग को यूज कर रहे होते हैं कीवर्ड प्लानर, ठीक है, उसमें से आप कीवर्ड मतलब प्रॉपर एक थीम जो होती है, सपोज किसी एक स्पेसिफिक निच पे काम कर रहे होते हो, वो टाइप करते हो, उसके अगेंस्ट सर्च करते हो, फिर आपको पता होगा कि 3 तरह के कीवर्ड्स होते हैं, कि नेविगेशनल्स होते हैं, इंफॉर्मेशनल होते हैं, और ट्रांजेक्शनल होते हैं। तो इसमें मोस्टली पेड एक्विजिशन के अंदर बाकी भी करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशनल भी करते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है कि हम ट्रांजेक्शनल कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि एक एक यूजर ऑलरेडी एक स्पेसिफिक निच पे सर्च कर रहा होता है इसको, तो वो ऑलरेडी जो पहले वाला फेज होता है। यार ये कौन है? यार प्लीज, ये कोई मेरे पास कंट्रोल है। तो कीवर्ड्स मैं इसमें इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा कि आपको कीवर्ड कैसे वो करने चाहिए, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, और कि आपको एक कस्टमर की तरह थिंक करना चाहिए, अलाइन योर कीवर्ड्स विद योर गोल्स, ग्रुप सिमिलर कीवर्ड्स इनटू थीम्स। वो जो सिमिलर कीवर्ड्स ग्रुप करने का मैंने कहा था, तो सिमिलर कीवर्ड्स को ग्रुप करके उनको एड ग्रुप में डाल दो, ताकि सेम एड कॉपी उन सबके अगेंस्ट चलेगी, तो वो आपको बार बार ना लिखनी पड़े। कीवर्ड ने रिसर्च कैसे करते हैं, यूज कीवर्ड प्लानर या डिस्प्ले प्लानर इसके अंदर होता है। अगर आप सर्च नेटवर्क के लिए करें तो कीवर्ड प्लानर यूज करेंगे, डिस्प्ले नेटवर्क के लिए करें तो डिस्प्ले प्लानर यूज करेंगे। इसके अलावा रिव्यू योर सर्च टर्म रिपोर्ट्स, सपोज आपने एक दफा कैंपेन चला दी, विजिटर्स ने आपकी साइट पे आना शुरू कर दिया, उसके बाद वो फिर आपको एक सर्च टर्म रिपोर्ट मिल जाती है एडवर्ड्स के अंदर से, ठीक है, उसमें आपको ये पता चल जाता है कि यूजर ने क्या क्या टाइप किया, कौन कौन सी क्यूरीज टाइप की, तो उसमें से आपको अपनी पोटेंशियल क्यूरीज मिल जाती हैं, आपको इवन वो क्यूरीज मिल जाती हैं जिसके अगेंस्ट कन्वर्जन हुई, तो आप फिर उनको टारगेट करना शुरू करते हो, तो कीवर्ड्स आपको वहां से भी मिलते हैं। आपको कीवर्ड्स अपने ऑप्टिमाइज कैसे करने पड़ते हैं, मैच टाइप यूज करके, कि आपको कहाँ पे एग्जैक्ट मैच यूज करना है, कहाँ पे ब्रॉड मैच यूज करना है, कहाँ पे मॉडिफायर्स लगाना है, कहाँ पे आपको फ्रेज मैच चूज करना है, और दूसरा के नेगेटिव कीवर्ड यूज करके, सपोज आप कुछ फ्री नहीं ऑफर करें, तो अक्सर आप कीवर्ड्स के साथ देखते हो कि फ्री का एक मॉडिफायर लगा होता है, तो आप अगर फ्री वाला नेगेटिव में डाल दो, तो जब भी यूजर किसी क्यूरी के साथ फ्री लिखेगा तो उसके अगेंस्ट आपके एड शो नहीं होंगे। टाइप ऑफ एडवर्ड्स जो होता है वो टेक्स्ट होता है, एड एक्सटेंशन होता है, इमेजेस होता है, वेब मोबाइल होता है, ऐप प्रमोशनल एड्स होते हैं, इनस्ट्रीम वीडियोस होती हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स होते हैं, कॉल ओनली एड्स होते हैं, टेक्स्ट एड सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे होते हैं, इसके साथ एड एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो, इमेज एड डिस्प्ले पे होते हैं, वेब मोबाइल जो होता है वो मोबाइल एड्स होते हैं, ऐप प्रमोशनल एड्स एप्लीकेशन में यूज होते हैं, इंस्ट्रीम वीडियोज जो होते हैं वो यूट्यूब पे यूज होती हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स जो होता है गूगल शॉपिंग पे होता है। पाकिस्तान में अभी गूगल शॉपिंग नहीं है, तो शायद आपको इतना आइडिया ना हो, इंडिया में गूगल शॉपिंग आ चुकी है, तो हम जब इस पे
एक डिफरेंट सेमिनार करेंगे तो उसका भी डिस्कस करेंगे। कॉल ओनली एड जो होता है वो उस पर सिर्फ यूजर जब क्लिक करेगा तो वो आपको कॉल मिलेगी, वो वहाँ पे यूज होते हैं। एड एक्सटेंशन दो तरह की होती हैं, मैनुअल एक्सटेंशन होती हैं, ऐप एक्सटेंशन होती है, कॉल एक्सटेंशन होती है, लोकेशन एक्सटेंशन होती है, रिव्यू एक्सटेंशन होती है, साइट लिंक होते हैं, कॉल आउट होती है, ऑटोमेटिक एक्सटेंशन होता है, कंज्यूमर रेटिंग होती है, प्रीवियस विजिट्स होते हैं, सोशल एक्सटेंशन जो आपके गूगल प्लस वाले पेज से ये उठा के और यहाँ पे शो करता है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है अफेक्टिव एड क्रिएट करने के, कनेक्ट योर एड एंड कीवर्ड के, मेक इट श्योर के आपके जो एड कॉपी हो वो कीवर्ड से रेलिवेंट हो, ये ना हो कि कीवर्ड कुछ और हो, एड एड कोई और बात कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाईलाइट व्हाट मेक यू यूनिक, सपोज आप कुछ ऑफर दे रहे हो कि $50 ऑफ या 50% ऑफ, तो आपको वो मेंशन करना जरूरी है। इंक्लूड ए कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन मीन्स के आप एक हाइप क्रिएट करते हो कि कॉल नो हरी, आप इस तरह की चीजें आप उधर कॉल टू एक्शन, मैच योर एड टू योर लैंडिंग पेज। आप ये भी बहुत जरूरी है कि आपकी एड पे जब यूजर क्लिक करे और लैंडिंग पेज पे आए तो दोनों में एक कनेक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि एड कॉपी कुछ और हो और लैंडिंग पेज कुछ और कह रहा हो। टेलर योर एड्स फॉर मोबाइल, ये इसका मतलब ये है कि मोबाइल के लिए आपको क्योंकि स्क्रीन डिफरेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एड्स जो होते हैं वो लिखने पड़ते हैं। एड एक्सटेंशन यूज करें, उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो हो सके, स्पेशली जो लोकल एडवर्टाइजर्स होते हैं उनके लिए, यूएस में जब हम उधर पहुंचेंगे तो ये चीज डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स यूज करें कि आपको पता चले कि कौन सी चीज आपके लिए आपको फायदा पहुंचा रही है, जिससे ज्यादा कन्वर्जन आ रही है, कौन से चीज आपके लिए वर्क नहीं कर रही, तो उस पर इन्वेस्ट करें जो काम आ रहा है, और जो नहीं आ रहा उस पर नहीं करें। टूल्स टू प्लान ए कैंपेन, कीवर्ड प्लानर आप में से सबने यूज किया होगा, वो बेसिकली इसका पर्पस जो होता है कि एडवर्ड के लिए यूज करें, हम एडवर्ड्स के लिए एडसेंस के लिए उसके लिए कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं, तो खैर वो अब शायद वो आप लोगों के लिए फायदेमंद नहीं रहा इतना क्योंकि वो आपको नंबर्स नहीं दिखा रहा होता प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे अगर आपका पेड अकाउंट है उसमें पैसे हैं तो उसके अगेंस्ट ये नंबर दिखा रहा होता है। यूज द कीवर्ड प्लानर, और डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले प्लानर यूज करें, वो काफी थोड़े से ब्रॉड नेचर के कीवर्ड होते हैं, उधर मॉडिफायर वगैरह यूज नहीं होते, मैश टाइप वगैरह यूज नहीं होते, तो आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं इधर से, डायरेक्ट जो है अपनी कैंपेन में भी डाल सकते हैं कीवर्ड, जो हम डालते नहीं है क्योंकि हम काफी कस्टमाइज किस्म की कैंपेन्स क्लाइंट्स के लिए स्पेशली जब बना रहे होते हैं, क्योंकि काफी उनका बजट जो होता है वो टाइट होता है और वो मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाह रहे होते हैं, तो हम काफी सिलेक्टिव होते हैं जब कीवर्ड सिलेक्ट कर रहे होते हैं क्लाइंट्स के लिए, तो वी मेक इट श्योर के हम वो कीवर्ड सिलेक्ट करें जो हाईली रेलिवेंट हो और हमें फील हो एज ए कस्टमर कि अगर मैं कस्टमर हूं तो या दिस इज द कीवर्ड विच कैन मेक मी टू टू बाय स्पेसिफिक प्रोडक्ट और टू यूज ए स्पेसिफिक सर्विस। इसका फाइनल जो चैप्टर आज हमें डिस्कस करना है वो मेयरमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें टॉपिक्स जो होंगे मेजर जो रिजल्ट होगा, टूल टू मेजर जो परफॉर्मेंस होगा, एवेल्युएट मैट्रिक्स रेलिवेंट टू जो गोल्स होगा, और ऑप्टिमाइज जो कैंपेन होगा। रिजल्ट मेजर करने के लिए डायमेंशन टैब, अगर आप एडवर्ड अकाउंट कोई भी बनाते हैं अभी इसमें पेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं डालते और मैं चाहूंगा कि आप बना लें तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकेंगे, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या फंक्शन है और क्या चीज कैसे करनी है। उसमें एक डायमेंशन टैब होगा, उसमें आप डिफरेंट वेज से अपने डेटा को देख सकते हैं और डिफरेंट लेवल पे देख सकते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स यूज करके देख सकते हैं, तो ये आपके अपने एक्सप्लोर करने वाली चीज है, आप इसको जाएं देखें कि उधर क्या क्या फीचर है। सर्च टर्म रिपोर्ट, ये जब कीवर्ड टैब पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे सब नीचे एक बटन आ रहा होगा, उधर से आपको मिल जाएगी, लेकिन ये आपको अभी मिलेगी नहीं क्योंकि ये तो जब कैंपेन स्टार्ट होगी लोग आपके एड्स पे क्लिक करना शुरू होंगे ये तब जनरेट होती है, लेकिन जब लेटर ऑन हम सॉरी जब एडवांस सर्च वगैरह डिस्कस करेंगे तो हम फिर इस पे आएंगे। ऑक्शन इनसाइट से
हमें क्या पता चलता है कि हम कंपेयर करते हैं अपने आप को कंपेटिटर से स्पेसिफिक कीवर्ड्स के अगेंस्ट, के वो कितना इंप्रेशन शेयर वो ले रहे हैं और हम कितना ले रहे हैं, और इस तरह की चीजें। मतलब आपका और कंपेटिटर का जो कंपैरिजन है वो इधर से आपको पता चलेगा। टॉप मूवर रिपोर्ट से आपको ये पता चलेगा कि कौन सी कैंपेन में बिगेस्ट चेंजेस हुई हैं, इंक्रीज या डिक्रीज, क्लिक में, कॉस्ट में, कन्वर्जन में, और आपको ये कॉजेज बताएगा कि क्यों चेंजेस हुई हैं। पेड एंड ऑर्गेनिक रिपोर्ट, इसमें ये होगा कि विद दिस विद द पेड एंड ऑर्गेनिक रिपोर्ट यू कैन सी हाउ ऑफन पेजेस फ्रॉम योर वेबसाइट आर शोइंग इन गूगल सर्च रिजल्ट्स एंड विच क्यूरीज ट्रिगर्ड दोज रिजल्ट्स टू शो ऑन द सर्च रिजल्ट्स पेजेस। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके जो एड्स हैं वो कितनी दफा शो हो रहे हैं गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे और किन क्यूरीज के अगेंस्ट वो शो हो रहे हैं। टूल्स टू मेजर योर परफॉर्मेंस, इसमें कन्वर्जन ट्रैकिंग होगा, उससे आपको पता चलेगा कि कौन से कैंपेन कीवर्ड एड ग्रुप के अगेंस्ट कन्वर्जन हो रही है, जिनके अगेंस्ट हो रही है वहां पे आप बजट इंक्रीज करेंगे या स्कोर ऑप्टिमाइज करने की जरूरत करें, जिनके अगेंस्ट नहीं हो रही या आप उनको बिडिंग स्टॉप करेंगे या बजट डिक्रीज करेंगे, इस तरह की चीजें। गूगल एनालिटिक्स से इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, इससे आपको चलेगा कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, किस तरह की ट्रैफिक आ रही है, और इस तरह के फीचर। आप में से अक्सर लोग गूगल एनालिटिक्स से ऑलरेडी फेमिलियर होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। कैंपेन एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर एक टूल होता है एडवर्ड्स के अंदर, उसके अंदर आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एड कॉपीज पे, एड ग्रुप्स पे, कीवर्ड्स पे, और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आप मेजर कर सकते हैं कि उन्होंने परफॉर्म कैसे किया। तो अगर तो वो एक्सपेरिमेंट आपका लगता है कि सक्सेसफुल था तो आप उसको अपनी कैंपेन का रेगुलर कैंपेन का पार्ट बना सकते हैं, वरना उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो एवेल्युएट मैट्रिक्स रेलिवेंट टू योर गोल्स। अगर देखें गोल सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ ट्रैफिक चाहिए कि मैक्सिमम ट्रैफिक आए मेरी साइट पे, तो आप सिंपल मतलब कैंपेन टैब से, एड ग्रुप टैब से, कीवर्ड टैब से आप देख सकते हैं कि जी ट्रैफिक किस कीवर्ड से आ रही है, कौन सा एक्सपेंसिव था या किस पे पोजीशन कम है, वहाँ पे और बिड इंक्रीज करके उसको पोजीशन इंक्रीज की जा सके, किस पे क्वालिटी स्कोर कम है कीवर्ड के अगेंस्ट उसके अगेंस्ट क्वालिटी स्कोर इंप्रूव किया जा सके, ऐसी चीजें। कन्वर्जन में ये की जा सकती है, अगर गोल आपका कन्वर्जन है, साइन अप्स है, कुछ चीज सेल करना है, कुछ सर्विस सेल करना है, तो आप कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हैं इसी तरह के, किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट कैंपेन्स के अगेंस्ट आ रही हैं, किन के अगेंस्ट नहीं आ रही, तो अकॉर्डिंगली आप बजट को अप एंड डाउन जो उनको कैंपेन को पास कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं इस तरह की। मेयरिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको चल जाएगा कितना आपने स्पेंड किया और रिटर्न कितना आया। अगर जब आप कन्वर्जन सेट करते हैं तो आपको पता, उसमें आप गोल्स की वैल्यू सेट करते हैं कि सपोज मेरा एक प्रोडक्ट है ये $50 का है, ठीक है, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरी 55 हो गई है, मतलब 55 मैंने स्पेंड करके $50 का प्रोडक्ट सेल किया, तो जितना मेरा लॉस है, तो इस तरह से आप अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेजर कर सकते हैं। मेयरिंग रिटर्न ऑन एड स्पेंड भी वही है कि कितना स्पेंड किया उसके अगेंस्ट कितना रेवेन्यू आया। मेयरिंग ब्रांड अवेयरनेस के डिस्प्ले कैंपेन्स पे क्लिक्स जो होते हैं वो यूजली चीप होते हैं, तो लोग उसको ब्रांडिंग के लिए यूज करते हैं, और क्योंकि एक बहुत ब्रॉड ऑडियंस को जहाँ जहाँ पे कंटेक्स्ट या डेमोग्राफिक मैच कर रही होती है, आपका एड शो हो रहा होता है, आपका ब्रांड शो हो रहा होता है, तो वो एक काफी अच्छा वे है अपने ब्रांड की पब्लिसिटी के लिए। कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं कि यूज़ लैंडिंग पेज दैट इज मोस्ट रेलिवेंट टू योर एड, जैसे पहले डिस्कस किया था कि वो लैंडिंग पेज यूज करें जो कि आपकी एड कॉपी से मैच करता हो। सपोज मैं कैमरा भी बेच रहा हूँ, टेलीविजन भी बेच रहा हूँ, लेकिन मैं टेलीविजन के कीवर्ड के अगेंस्ट अगर कैमरे का ऐड लगा लूंगा तो यूजर जैसे ही उस पर क्लिक करके मेरे लैंडिंग पेज पे जाएगा तो कहेगा ये क्या, मैंने तो कैमरा लेना था, तो वो उसी टाइम मेरी वेबसाइट से निकल जाएगा। तो हमें रेलिवेंट एड कॉपी, मतलब एड कॉपी के साथ रेलिवेंट लैंडिंग पेज लगाने की जरूरत है, और अगर हम कोई ऑफर करते हैं एड कॉपी में तो मेक इट श्योर कि सेम ऑफर आपके लैंडिंग पेज पे भी हो, आप अपने
पोटेंशियल बायर को मिस गाइड नहीं करें। यूज हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स एंड एड टेक्स्ट के जो आपको लगता है कि हाँ ये वाले कीवर्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट कन्वर्जन आ सकते हैं, वो वाले कीवर्ड यूज करने चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली एड टेक्स्ट भी यूज करने चाहिए, और अगर हो सके तो उन कीवर्ड्स को अपनी एड कॉपी में यूज करना चाहिए। उससे क्या होगा कि क्वालिटी स्कोर भी इंक्रीज करेगा आपका। एडजस्ट योर बिड्स, अपने बिड्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो। सपोज के किसी कीवर्ड के अगेंस्ट आप देख रहे हैं कन्वर्जन आ रही है लेकिन कम आ रही है, लेकिन वो आपको लगता है कि ये काफी पोटेंशियल कीवर्ड है, तो उसके अगेंस्ट बिड आप बढ़ाओ, और आपको लगता है कि किसी के अगेंस्ट कन्वर्जन महंगी आ रही है उसके अगेंस्ट बिड्स को कम करो, उसको लोअर पोजिशन पर ट्राई करो। जब बिड कम करोगे तो उसकी पोजिशन लो हो जाएगी। कीवर्ड्स की टिप्स में है कि नेगेटिव यूज वर्ड कीवर्ड यूज करें ताकि जो अनवांटेड क्लिक्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। सपोज के मैं कैमरा बेचता हूँ और मैं सिर्फ DSLR बेचता हूँ, या सपोज मैं DSLR नहीं बेचता सिर्फ दूसरे कैमरे बेचता हूँ, तो मैं DSLR को आई विल मेक इट श्योर कि DSLR को मैं नेगेटिव कीवर्ड में डालूँ ताकि जब यूजर क्यूरी टाइप करे उसमें DSLR टाइप करे तो मेरा कीवर्ड एड जो है वो शो ना हो। रिमूव डुप्लीकेट कीवर्ड्स, अक्सर हम जिस तरह से बल्क में कीवर्ड डाल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि हम अक्सर डुप्लीकेट कीवर्ड डाल देते हैं कि एक कैंपेन में सपोज वो कीवर्ड डाले दूसरे में भी वो डाल दिया। उससे क्या होता है कि कीवर्ड आपस में ना कंपेटिटर बन जाते हैं। सपोज कीवर्ड मैंने डाला DSLR कैमरा एक कैंपेन में, दूसरे में भी वो डाल दिया, तो जिसकी बिड ज्यादा होगी वो पर शो हो जाएगा, जिसकी बिड कम होगी वो शो नहीं होगा। तो इस तरह से हमने कंपटीशन अपने कीवर्ड्स में नहीं करना, तो हमने डुप्लीकेट कीवर्ड इसलिए हमने रिमूव करने हैं। ऑप्टिमाइज लो परफॉर्मिंग कीवर्ड, उनके अगेंस्ट हम क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, उसकी बिड इंक्रीज करेंगे ताकि उस पर देख सकें वो वर्क करते हैं या नहीं करते, और अगर नहीं करते तो उनको सिंपली एलिमिनेट कर देंगे। परफॉर्म अ कीवर्ड डायग्नोसिस, कीवर्ड डायग्नोसिस से आपको ये पता चलेगा कि अगर वो शो नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है। हो सकता है बिड इंक्रीज करने से वो शो हो जाए या क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करने से वो शो हो जाए। एंड चेक द कीवर्ड्स एस्टिमेटेड फर्स्ट पेज बिड, अक्सर कीवर्ड जो होते हैं वो दूसरे तीसरे कीवर्ड पेज पे शो हो रहे होते हैं, तो हम इसमें टूल होता है उससे हम ये पता चल सकते हैं कि पहले पेज पे अगर हम अपना एड शो करना करवाना चाह रहे हैं तो उसके अगेंस्ट मिनिमम कितनी बिड होनी चाहिए। एड टेक्स्ट के लिए टिप है कि अंडरस्टैंड द बाइंग साइकिल, कि आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर का बाइंग साइकिल पता होना चाहिए कि अगर आप $200 का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो यूजर राइट अवे वो नहीं बाय करेगा। आपको पता चलेगा कि पहले यूजर को समझाना पड़ेगा व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, इसके बेनिफिट क्या है, तो अगेन वो पहले आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड यूज करेंगे और मतलब फिर यूजर जब आपको फील होगा कि हाँ दिस इज द राइट टाइम, तो उसके बाद रीमार्केटिंग के थ्रू या किसी भी वे के थ्रू आप उसको अपना जो कोर प्रोडक्ट है फिर वो बेचने की कोशिश करेंगे। इनहेंस योर एड विद एक्सटेंशन, काफी पुरानी पुरानी कैंपेन में हम देखते हैं कि एड तो चल रहा होता है लोग लगा के भूल जाते हैं, एक्सटेंशन नहीं यूज करते। तो एक्सटेंशन से ये होता है कि आप यूजर को पोटेंशियल बायर को अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, आपके पास ज्यादा स्पेस आ जाता है अपनी पोटेंशियल बायर को बताने का, क्योंकि एड कॉपी में लिमिटेड स्पेस होता है। पहले तो स्टैंडर्ड एड यूज होते थे उसमें 25 करेक्टर के टाइटल होता था और 35-35 के दो डिस्क्रिप्शन लाइन्स होती थी, लेकिन अब वो एक्सटेंडेड टेक्स्ट ऐड आ गए तो उसमें दो हेडलाइंस होती हैं और एक डिस्क्रिप्शन लाइन होती है। 2017 से सिर्फ एक्सटेंडेड टेक्स्ट ऐड से चलेंगे। बिड्स एंड बजट की टिप्स हैं कि एक्सपेरिमेंट विद बिड्स, आप देखें कि कौन सी पोजीशन, जब बिड ज्यादा होगी तो पोजीशन ज्यादा होगी, जब बिड कम होगी तो पोजीशन ऐड आपके ऐड कॉपी की वो लो हो जाएगी। तो आप एक्सपेरिमेंट करें, हो सकता है कि फर्स्ट प्लेस पे हो सकता है कि आपको कन्वर्जन्स ना मिल रही हो, लेकिन हो सकता है सेकंड या थर्ड प्लेस पे वो कन्वर्जन्स आपको मिल जाए, तो आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट बिड्स के साथ करें। बजट से देखें एक्सपेरिमेंट करके के अक्सर जो होता है बजट कम होता है वो अभी दिन कंप्लीट नहीं होता लेकिन बजट आपका एग्जॉस्ट हो जाता है, तो यू विल हैव टू मेक इट श्योर कि आपका इतना बजट हो कि वो थ्रू आउट द डे चलता रहे। तो एलोकेट योर बजट अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, आप अगेन के आप देखते हैं कि स्पेसिफिक आवर्स में आप रिपोर्ट के थ्रू देख सकते हैं कि
आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस अच्छी रही उसमें, सपोज डे टाइम में आपकी कैंपेन नहीं चलती, नाइट में चलती है, तो आप डे में ऑफ कर दें उसको, तो सिर्फ नाइट पे फोकस करें, बजट इंक्रीज कर दें उसका, कीवर्ड्स की बिड्स भी इसी तरह से अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे करके देखें। किसी अगेन ये वही है कि किसी स्पेस प्लेस पे एड रैंक पे वो हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म करे, किसी पे नहीं करे। यूज एड स्कैटरिंग टू ऑटोमेटिकली चेंज योर बिड्स थ्रू आउट द डे। अब आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि सपोज 9 to 10 PM मेरी बिड जो है वो 50% इंक्रीज कर दो, और 9 to 10 AM उसको 50% डिक्रीज कर दो, तो आप बिड्स को इस तरह से भी एड स्कैजिंग के थ्रू भी मैनेज कर सकते हो। ब्रांड अवेयरनेस आपको इंक्रीज करने के लिए डिस्प्ले नेटवर्क यूज करना चाहिए। विद अ ब्रांड एंगेजमेंट कैंपेन यू वांट टू बिल्ड अवेयरनेस ऑफ एंड पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ विद योर कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यू कैन डू दिस यूजिंग टारगेटिंग ऑप्शंस के आप टारगेट कर सकते हो। सपोज एक ब्रांड है वो सिर्फ मेल से रिलेटेड है, तो फीमेल्स को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें सिर्फ मेल सेलेक्ट करो, ठीक है। उसमें अगर अब वो सिर्फ एडल्ट मेल्स के लिए रिलेटेड है, बच्चों के लिए नहीं है, तो वो वाली उसमें से एज रेंज को भी निकाल दो, और बिडिंग स्ट्रेटजी स्ट्रेटजीज के थ्रू आप अगेन उसकी पोजिशन वगैरह मैनेज करो, और इस तरह से आप ब्रांड अवेयरनेस डिस्प्ले नेटवर्क पे कर सकते हो। फॉर एडवर्ड फंडामेंटल आप गूगल का एक एग्जाम है गूगल पार्टनर बनने के लिए, जो उसका कोर एग्जाम है एडवर्ड फंडामेंटल। ये जो कंटेंट है ये उसी एग्जाम से मैंने लिया है, मैंने इसमें से अपने पास से कोई कंटेंट डाले नहीं है, और आई बिलीव बल्कि बहुत सारे इवन एक्सपर्ट्स जो हैं मार्केट में फॉरेन एक्सपर्ट्स वो बिलीव करते हैं कि नो बडी कैन टीच यू एड्स एडवर्ड्स बेटर देन गूगल। तो मेरे वो वाले कंटेंट सर्च करो एडवर्ड्स फंडामेंटल एग्जाम, आप गूगल पार्टनर के पेज पे चले जाओगे, वहां पे रजिस्टर करके एडवर्ड्स फंडामेंटल एग्जाम में अपियर हो, एक दफा अपियर हो, फेल होते हो नो इशू, 7 डेज के बाद आप दोबारा वो दे सकते हो। अभी वो फ्री है तो देर इज नो इशू। जब मैंने किया था 2012 में तो $50 का एग्जाम था, तो हमें काफी सोच के करना पड़ता था। तो आपको जो मैंने बताया यूजली यही वाले सारे कंसेप्ट उसमें कवर हुए, तो हर क्वेश्चन को पढ़ो प्रॉपरली, उसमें देखो MCQ है, उसमें देखो कि इसमें 100 क्वेश्चन होंगे आई गेस, उसमें से आपको 80 के राइट आंसर देने पड़ेंगे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर देट। अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर करूंगा, सॉरी इसमें काफी डिस्टर्बेंस हुई बीच में कि वो हम हिप चैट यूज कर रहे थे, तो उसमें काफी सारे लोग अपना माइक ऑफ नहीं कर रहे थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और उसकी वजह से वो मेरा मोशन था वो भी टूटा, और जिस मैं एक माइंडसेट के साथ आया था कि वो करूंगा उस तरह से नहीं कर सका। तो एनीवेज आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस, तो आपको अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज गो अहेड, तो डू आस्क मी क्वेश्चंस, इसके थ्रू आप सीखेंगे, और अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं आगे वाले वेबिनार से, इस वेबिनार सीरीज के जो आगे वाले मैंने वेबिनार डिसाइड किए हैं वो करवाऊंगा, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आई विल जस्ट गिव अप। तो आई डोंट नो आपको, मुझे कोई क्वेश्चन अभी तक मिला नहीं, शायद किसी को कुछ समझ नहीं आया, अगर इवन समझ भी नहीं आया तो काइंडली गो अहेड, आप मुझे बता सकते हैं। शादेब आर यू देयर, नेटवर्क पे रन कर रहे होते हैं तो उसके वो बेनिफिट होता है। अंबर नेसेसरी नहीं है उसमें, आप अगर क्लाइंट को ये बताओगे ना कि मैं गूगल पार्टनर हूँ या मैंने एग्जाम पास किया ये, तो आपको एक आप एक ऑथेंटिसिटी शो होगी, उसको क्रेडिबिलिटी लगेगी कि हाँ दिस इज द गाय हु कैन डू फॉर मी। नेसेसरी कुछ नहीं है। जब मैंने शुरू किया मैं पता नहीं कब से कर रहा था, मैंने पार्टनर में 2012 में बना, शायद मैं एडवर्ड्स पे मैं 2008-09 से काम कर रहा था, तो नेसेसरी नहीं है। रमजान में आपका ये क्वेश्चन आंसर कर चुका हूँ कि कैंपेन डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट का पोटेंशियल कस्टमर कहाँ पे है, फर्क किस कीवर्ड पे क्या बिड चल रही है, वो
कीवर्ड के साथ में एक ग्राफ बना हुआ होता है, आप उस पर क्लिक करें तो आपको बताएगा कि आप इसकी कितनी बिट रखेंगे तो आपको इसके अगेंस्ट कितने आपको क्लिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आप इसके अंदर, इसके पास फंक्शन होता है कि आपकी अगर स्पेसिफिक पोजीशन है, सपोज सपोज आप चाहते हैं कि आपका कीवर्ड हमेशा सेकंड पोजीशन पे शो हो या फर्स्ट पोजीशन पे शो हो, तो आप ये कर सकते हैं कि कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि सपोज इफ माई कीवर्ड पोजीशन इज लेस देन 2 तो बिड मेरिट 10% इंक्रीज कर दो या इस तरह कर दो। तो कंडीशन जब भी आप सर्च क्यूरी टाइप होगी जिसके अगेंस्ट ट्रिगर होगा तो उसके अकॉर्डिंगली वो बिड ऊपर नीचे होती रहेगी। एफिलिएट के लिए कौन सा बेटर हो सकता है? सीपीए एफिलिएट्स के लिए आप कह रहे हैं, तो उसके लिए एडवर्ड्स और फेसबुक के थ्रू लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन अगेन वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, किस प्रोडक्ट का पोटेंशियल बायर कहाँ पे है, वही वाली बात है। बीइंग इन पाकिस्तान विच कार्ड इज बेस्ट फॉर एडवर्ड्स? कार्ड का बेस्ट क्या है, वो जितना चार्ज होगा वो अकॉर्डिंगली आपको पे करना पड़ेगा। हर क्रेडिट कार्ड जो है वो पे करेगा ही करेगा, तो उसमें अगर आपका आप कितनी लिमिट है तो उसमें बेस्ट वाली क्या बात है, सारे कीवर्ड्स काम करते हैं। फॉर प्रैक्टिकल वेबिनार एंड डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उसमें एक इश्यू ये है कि जो मेरे पास कैंपेन्स हैं क्लाइंट्स की, ठीक है, उनके लिए मैंने जो है वो NDA साइन किया और वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। हाँ, लेकिन मैं कोई डमी कैंपेन बना के और इस तरह की चीज करके मैं आपको बनाना सिखा के या उसमें दिखा के एडवर्ड्स को एक्सप्लोर करना सिखा के कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, ये मैं करूँगा। तो और भी क्वेश्चन है? अब मुझे हिपचैट से तो इधर क्वेश्चन मिलते नहीं है, तो एनीवेज हिपचैट वालों ने मुझे बहुत तंग किया, तो दे डोंट डिजर्व टू आंसर ये, और वहां भी कोई है भी नहीं आई थी। शायद नेक्स्ट टाइम हिपचैट नहीं यूज करना, जो लास्ट टाइम यूज किया था हमने काइंडली वही यूज कर लेना। जूम ही यूज करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो रिकॉर्डिंग आई बिलीव के शादीप करा होगा, वो अपलोड कर देगा। अगेन मुझे पर्सनली मज़ा नहीं आया इस बार एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम, थोड़ी वो नॉइज थी चैट की वजह से और कुछ प्रैक्टिकल इसमें नहीं था, लोगों ने कुछ इंटरेस्ट भी कम लिया। तो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना आस्क यू कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नेक्स्ट सेमिनार और नॉट, और अगर मुझे फीडबैक मिला पॉजिटिव तो फिर मैं वेबिनार करूंगा, तो उसमें प्रैक्टिकल स्टफ भी ऐड करूंगा। वो सब मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि आप फंडामेंटल एग्जाम पार्टनर का उसमें अपियर हो, और मतलब सपोज आप कल अपियर होते हैं, पास होते हैं या कुछ भी होता है, तो नेक्स्ट संडे तक आप दोबारा भी अपियर हो जाएं, तो आप आपको इसके कंटेंट भी मिल जाएंगे, आप इवन पार्टनर पे फंडामेंटल कंटेंट देखेंगे तो वो कंटेंट जो है, जो मेरी स्लाइड्स के कंटेंट थे वही, और फर्क जो कह रहा था कि कंटेंट आर वो कलर स्कीम इज नॉट गुड, तो ये वहाँ से वो कंटेंट ले और उसको गो थ्रू करे, उसके अकॉर्डिंगली एडवर्ड्स को भी एक्सप्लोर करें तो उसको बाकी सबको भी आइडिया हो जाएगा। देयर इज नो लिमिट, आप जितनी दफा चाहें एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। अंबर, हाँ जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन अगेन इसमें था नहीं प्रैक्टिकल क्योंकि गूगल के कंटेंट्स हैं, तो
मैं अपने पास से प्रैक्टिकल अगर ऐड करता तो दैट डजंट मेक सेंस। ओके गाइस, अगर किसी और को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क मी, वरना लेट्स वाइंड दिस अप।